हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, जिसको आप क्या कहते हैं, डीएनसी मशीन भी कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज में आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन को डीएनसी मशीन भी कहते हैं स्टूडेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट का। इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंपोनेंट सब के बारे में हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, और सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन की बाकी वीडियोज़ देखने के लिए आप सीएनसी मशीन नाम से जो प्लेलिस्ट है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, वहाँ पर जाकर विजिट करें। सभी वीडियोज़ आपको टॉपिक वाइज मिलेंगी। तो चलिए डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के डेफिनेशन पर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन को आप डीएनसी मशीन भी कहते हैं। तो देखिए, डीएनसी मशीन इज़ ए मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यानी जो डीएनसी मशीन होती है इसका आप यूज़ कहाँ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में आप यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में। तो डीएनसी इज अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इन विच सेवरल एनसी, एनसी यानी न्यूमेरिकल कंट्रोल, एंड सी एन सी मशीन, और सी एन सी मशीन को कंट्रोल किया जाता है एक मेन फ्रेम कंप्यूटर द्वारा। यानी एक कंप्यूटर द्वारा बहुत सारी मशीन्स को कंट्रोल किया जाता है, चाहे वो एन सी मशीन हो चाहे वो सी एन सी मशीन हो। कॉमन लेमन लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में अगर आप समझें तो एक आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इससे आपकी एन सी एंड सी एन सी मशीन जुड़ी हुई हैं। कुछ यहाँ पर एन सी मशीन है और कुछ आपकी सी एन सी मशीन जुड़ी हुई हैं एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से। यानी एक कंप्यूटर इनको जो कमांड देगा सभी मशीन्स में वो वर्क होगा। यहाँ हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्राम देते हैं। कंप्यूटर में आप प्रोग्राम डालते हैं, प्रोग्राम यहाँ पर आप कंप्यूटर में डालते हैं। तो प्रोग्राम डालने के बाद क्या होता है स्टूडेंट, सभी मशीन्स जो होती हैं एक जैसा कार्य करती हैं। तो इसे आप कहते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। बल्कि स्टूडेंट, अगर आपने एनसी मशीन जो मैंने वीडियो बनाई है अगर वो देखा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि सिंगल प्रोग्राम को आप फिट करते थे मशीन कंट्रोल यूनिट में और फिर एनसी मशीन वर्क करती है। पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में आप देख रहे हैं कि एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी मशीन्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन इज ए मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इन विच सेवरल एनसी एंड सीएनसी मशीन आर कंट्रोल्ड बाय मेन फ्रेम कंप्यूटर। या एक कंप्यूटर द्वारा इतनी सारी मशीन्स को, बहुत सारी मशीन जैसे एनसी मशीन हो गई आपकी, उसमें सीएनसी मशीन आ गई, इनको कंट्रोल किया जाता है। इसे ही आप क्या बोलते हैं, डीएनसी बोलते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। अब इसके कंपोनेंट्स की अगर आप बात करें स्टूडेंट, तो इसके कंपोनेंट देखिए, चार मेन इसके कंपोनेंट होते हैं। पहला सेंट्रल कंप्यूटर, देखिए जिस कंप्यूटर से सारी मशीन्स जो है कनेक्टेड रहती हैं, इसको आप मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बोलते हैं, जिससे आपकी सारी जो मशीन्स हैं वो आपकी क्या रहती हैं, इससे कनेक्टेड रहती हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी आप इसे बोल सकते हैं। इस मेन फ्रेम कंप्यूटर से, ये देखिए आप सेंट्रल कंप्यूटर यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस सेंट्रल कंप्यूटर से आपकी बहुत सारी मशीन्स, कुछ इसमें एनसी मशीन होती है, एनसी मशीन टूल होते हैं, और कुछ यहाँ पर सीएनसी मशीन होती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक पार्ट हो गया सेंट्रल कंप्यूटर। फिर दूसरा आता है बल्क मेमोरी विच स्टोर द एनसी प्रोग्राम सिस्टम। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्या रहेगी, मेमोरी रहेगी। मेमोरी आप किस में फिट करते हैं, कंप्यूटर में फिट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्या रहेगी, बल्क मेमोरी एनसी प्रोग्राम, जिसमें अलग अलग प्रोग्राम होंगे, अलग अलग वर्क करने के लिए वहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम होते हैं स्टूडेंट। जैसे अगर आपको ड्रिल करना है तो उसका प्रोग्राम अलग है, अगर आपको फिनिशिंग करनी है तो उसका प्रोग्राम अलग है, अगर आपको थ्रेडिंग करनी है तो उसका प्रोग्राम अलग है। यानी अलग अलग जॉब बनाने के लिए, अलग अलग जॉब बनाने के लिए स्टूडेंट आपको अलग अलग क्या देनी पड़ेगी, कमांड यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो कमांड आप प्रोग्राम की मदद से देंगे कंप्यूटर को। तो कमांड आप किस में डालते हैं, कमांड आप डालेंगे कंप्यूटर में, और विद दी हेल्प ऑफ मेमोरी। मेमोरी स्टोर करती है एनसी पार्ट प्रोग्राम को। मेमोरी देखिए क्या करती है, एनसी पार्ट प्रोग्राम को स्टोर करती है कंप्यूटर में, ये ध्यान रखिएगा। फिर होता है टेली कम्युनिकेशन लाइन। टेली कम्युनिकेशन लाइन स्टूडेंट, यानी जो सेंट्रल कंप्यूटर से ये सारी मशीन्स आपकी जुड़ी हुई हैं, तो किसी भी कम्युनिकेशन लाइन द्वारा जुड़ी हुई हैं, जिससे जो कमांड यहाँ पर आएगी वो सभी कंप्यूटर्स में विद दी हेल्प ऑफ टेली कम्युनिकेशन लाइन जो है जाएगी स्टूडेंट। चौथा है मशीन टूल। ये मशीन टूल आपके इसमें एनसी और सीएनसी मशीन होते हैं कॉमनली, तो ये एनसी और सीएनसी मशीन जो है ये आपके एनसी मशीन टूल हैं, ये आपके एनसी सीएनसी मशीन जो है मशीन टूल हैं, जो कि परफॉर्म करते हैं वर्क को। तो
तो अब समझ गए, चार कंपोनेंट होते हैं। पहला सेंट्रल कंप्यूटर, दूसरा बल्क मेमोरी, थर्ड वन इज़ टेली कम्युनिकेशन लाइन एंड फोर्थ वन इज़ मशीन टूल्स। सो देयर आर फोर कंपोनेंट्स ऑफ द DNC सिस्टम, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम के यहाँ पर चार आपके कंपोनेंट होते हैं। अब एडवांटेजेस की अगर आप बात करें DNC मशीन की, तो इसमें एलिमिनेशन हो जाता है पंच टेप और टेप रीडर का, जो आप NC मशीन में यूज़ करते थे पंच टेप और टेप रीडर्स का, यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाता है, यहाँ पर आपको यूज़ नहीं करना ये। कन्वीनियंट स्टोरेज ऑफ NC प्रोग्राम, देखिए NC बहुत सारे NC प्रोग्राम को आप जो है कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो बल्कि आपने देखा था कि NC मशीन में आपको हर जॉब के लिए अलग प्रोग्राम चाहिए, प्रोग्राम तो यहाँ पर भी अलग चाहिए, पर इनको एक स्टोर करते हैं एक ही कंप्यूटर में, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है ग्रेटर कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अधिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि देखिए एक ही मेन फ्रेम कंप्यूटर इतने सारे कंप्यूटर्स को यहाँ पर वर्क दे रहा है, अलग अलग वर्क भी दे सकता है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होती है। रिपोर्टिंग ऑफ शॉप परफॉर्मेंस होगा, फिर आएगा यहाँ पर कन्वीनियंट एडिटिंग एंड डायग्नोस्टिक फीचर्स, इसमें कन्वीनियंट एडिटिंग आप कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक फीचर्स आप इसमें कर सकते हैं, कोई किसी में प्रॉब्लम हो तो वो आप इजीली यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस होते हैं DNC सिस्टम के। अब देखिए डिसएडवांटेजेस अगर आप देखें, तो मेन तीन ही डिसएडवांटेज हैं कि पहला ये एक्सपेंसिव बहुत है। स्टूडेंट एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि इसे कंपोनेंट ही आपने देखे, सबसे पहले सेंट्रल कंप्यूटर, तो जो कंप्यूटर इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसकी कॉस्ट अधिक होगी। सेंट्रल कम्युनिकेट, तो आपकी बल्क मेमोरी हो गई, बल्क मेमोरी काफ़ी बड़ी यहाँ पर मेमोरी यूज़ होती है। फिर आप देखिए, फिर आपका कौन सा पार्ट यहाँ पर यूज़ होता है, टेली कम्युनिकेशन लाइन्स, और फिर आपके NC मशीन टूल। तो आप देखिए स्टूडेंट, अगर आपको कोई DNC मशीन सिस्टम अगर आपको लगाना है, तो उसकी कॉस्ट बहुत अधिक होगी, तो वेरी एक्सपेंसिव। सो DNC सिस्टम इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सेकेंड पॉइंट इज डैट रिक्वायर हाई स्किल्ड सॉफ्टवेयर नॉलेज। जो भी यहाँ पर स्किल लेबर DNC मशीन को कंट्रोल करेगा, उसको सॉफ्टवेयर की हाईली स्किल्ड नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि देखिए प्रोग्राम को बदलना, प्रोग्राम को फिट करना, कमांड देना, देखिए ये एक स्किल पर्सन ही यहाँ पर वर्क कर सकता है। यहाँ पर स्किल लेबर की आवश्यकता पड़ती है, और स्किल लेबर अगर आपको चाहिए तो उनको ट्रेनिंग कराने की आवश्यकता भी आपको पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। जस्टिफाइड ऑनली इन लार्ज कॉरपोरेशन, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, केवल वहीं आप DNC मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर बड़ा मैन्युफैक्चरर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन, तो वहीं पर आप DNC का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही देखिए स्टूडेंट, इतना सही DNC का टॉपिक है, ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, केवल आपको DNC मशीन क्या है, कैसे वर्क करती है, इसका आपको ब्लॉक डायग्राम समझना है, कंपोनेंट्स को समझाना है, और एडवांटेजेस इसकी आपको बता दी मैंने, और DNC के डिसएडवांटेज आपको बता दिए स्टूडेंट। तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप इसके नोट्स भी देखिए साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, इजी लैंग्वेज में है, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप CNC मशीन की सभी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, ऑल दी टॉपिक्स, तो आप क्या कर सकते हैं, CNC मशीन नामक प्लेलिस्ट पर जाकर आप जो है देख सकते हैं सभी वीडियोज़। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सभी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद।